कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होगे, इन्जॉय कर रहे होगे अपनी लाइफ में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करने वाले हैं अपनी सोच के बारे में, यानी हमारी जो सोच है थिंकिंग के बारे में। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं ऐसी हेल्थ, फिटनेस, फैशन, एजुकेशनल और ग्रूमिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ संदीप महेश्वरी सर से इंस्पायर होकर। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं उनकी और आपने ज़रूर से ज़रूर देखी होंगी, मुझे उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उनके। ये बातें हो गई सारी कि संदीप महेश्वरी सर की वीडियोस के बारे में और वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मैंने अपने बारे में भी बता दिया। पर अब हम मेन बात करते हैं, मेन बात ये है कि हमारी सोच। संदीप महेश्वरी सर की मैंने एक वीडियो देखी थी तो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए और आपने ज़रूर से ज़रूर वो देखी होगी, बट फिर भी मुझे लगा कि शेयर करूं मैं अपने दोस्तों के साथ। लोग कहते हैं यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत बड़ा बनना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। ठीक है यार, पर उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी सोच सही नहीं है, अगर हम पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, अच्छा नहीं सोचते हैं, तो हम वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते। ये बिल्कुल भी 100% ट्रू है। ऐसा क्यों? जब इंसान नेगेटिव सोचेगा, अच्छा नहीं सोचेगा, तो वो स्टेप कैसे लेगा? जब स्टेप नहीं लेगा तो उसको रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपकी सोच बहुत अच्छी है, अच्छा सोचते हो अपने बारे में कि यार मैं ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ, तो जब आप सोचोगे तभी आप स्टेप लोगे और जब आप स्टेप लोगे तो आप अच्छे से अचीव कर सकते हो वो चीज़। जब इंसान सोचेगा ही नहीं पॉजिटिव, जब पॉजिटिव सोचोगे नहीं, तो पॉजिटिव आपको रिजल्ट कैसे मिल सकता है? अगर हमने ये सोच रखा है कि यार मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, इस दुनिया के अंदर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जब हम उस चीज़ को करेंगे ही नहीं तो हमें रिजल्ट डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है कभी भी यार इस लाइफ में। उन्होंने यही बात हज़ार बार बोली होगी, बट फिर भी लोग सोचते हैं कि यार मैं बहुत बुरा हूँ, मैं धरती का बोझ हूँ, मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, और आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमें सबसे पहले अपनी जो सोच है वो पॉजिटिव रखना पड़ेगी कि हाँ यार मैं ये काम कर सकता हूँ, जो भी मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम जब ये सोच लेंगे तभी हम स्टेप लेंगे उसकी तरफ। जब हम स्टेप लेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम बाद हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं यार मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाता हूँ, फिर होता क्या है यार मेरी सोच है फिर वैसे ही हो जाती है, फिर से मैं वैसे ही हो जाता हूँ। उसका क्या रीज़न है? आप जिन लोगों के साथ में रहते हैं वो लोग बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? शायद से मुझे आप उल्टा सीधा बोलो, पर ये बिल्कुल भी सच है। जैसे हम लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही हम बातें करते हैं, जैसे वो बातें नेगेटिव बातें करेंगे हमसे और वैसे ही हमारी सोच होगी, वो कहेगा यार ये चीज़ नहीं हो सकती। हम भी ये कहेंगे हाँ यार तू सही कह रहा है, ये चीज़ नहीं है पॉसिबल। जब आप भी ये मान लोगे तो आप स्टेप नहीं लोगे, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। जब ऐसे लोगों के साथ मत रहो या फिर उनसे ऐसी बातें मत करो। और मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो नेगेटिव सोच रखते हैं और आप जो करना चाहते हैं उसको भी नेगेटिव बना देते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको पॉजिटिव थॉट्स बोलें और पॉजिटिव बातें करें, जो कि आपका जो ड्रीम है, जो भी कुछ बनना चाहते हैं हम लोग, तो उसमें हमारी मदद हो और हम अच्छे से अच्छा काम करें और अच्छा अच्छा सोचें, तभी हम स्टेप लेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की मोटिवेशनल वीडियो। थोड़ी सी अगर अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो लाइक देना ना भूलें चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम ऐसी हेल्थ, फिटनेस, फैशन और एजुकेशनल और ग्रूमिंग वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।